नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मिट्ठू मुंबई। इस समय लोकसभा में जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद एक सत्र का माहौल ही बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर इस बार का सत्र शुरू होने के पहले जो माहौल हुआ है वह यह हुआ है कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों को भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर पार्लियामेंट में, दोनों पार्लियामेंट में लगभग बहुमत पाने की स्थिति में हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का भी चयन हो गया है। दिल्ली से परसों ही कल ही सुबह यहाँ पे आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद सेठी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार कैसी बदली हुई नजर आ रही है और उसका असर मुंबई पर क्या पड़ने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बार, जैसा कि लोगों ने अनुमान लगाया था कि शायद इस बार आदित्य योगीनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वही संभावनाएं, वही लोगों की, जनता का जो एहसास है उसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पूरा किया है। तो योगीनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंबई की राजनीति पर, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, साहब ये बताइए। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से अगर आपसे मैं बात करूं तो आपने बताया कि भाई 4 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद में बड़े पैमाने पे वापस आएंगे। मैं जो पूछ रहा हूं वो पूछ रहा हूं कि जब यूपी में कोई घटना घटती है या मुंबई में कोई घटना घटती है तो इन दोनों का ताल्लुकात बड़ा ही सेंसिटिव जुड़ा होता है। यूपी में बाबरी मस्जिद का टूटना, मुंबई में दंगा का होना, यूपी मुंबई में राज ठाकरे का दंगा, उत्तर भारतीय पर हमला करना, उत्तर प्रदेश में उसका असर जाना, बिहार पे असर जाना, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक हिंदुत्ववादी, जिसको कहा जाता है ऐसा लोगों की विचारधारा में, योगी आदित्य योगीनाथ को मुख्यमंत्री पद दिया है। क्या इससे सांप्रदायिक तनाव यूपी या मुंबई में बढ़ने के आसार? बिल्कुल नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए, ना तो हम बाबरी मस्जिद के विषय को छूना चाहते हैं, ना तो हम मुंबई के दंगे को भी छूना चाहते हैं। समय समय पर जो जो बातें बनती है वो उसको भूलकर आगे चलना चाहिए, ये हमारी सोच है और ये हमारी कार्य प्रणाली है और हम उसी तरह से ही काम करते हैं। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या तो फिर मुंबई का चुनाव हो, निश्चित मुंबई में चुनाव हमने लड़ा, बहुत शानदार ढंग से हमारे पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा, उसको प्रतिसाद भी लोगों ने अच्छा दिया और उसका परिणाम निश्चित मैं मानता हूं कि दिल्ली के उसके बाद के फेज के चुनाव में लड़ा और बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट आया। मुंबई के चुनाव का परिणाम दिल्ली पर हुआ और दिल्ली का चुनाव का परिणाम पूरे देश भर में होगा, ये आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। जहां तक आपने बात की हिंदुत्व की वगैरह की, तो मैं बिल्कुल मानता नहीं, तो हम हिंदुस्तानी वादी है और सबका साथ और सबका विकास की जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं और लगभग उसको सारे देश के लोगों ने स्वीकार भी कर लिया है, उसी मानसिकता में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उसी सोच को लेकर आगे चलते हैं। जब कोई आवश्यकता पड़ेगी तभी हम उस बात को छेड़ेंगे, बाकी हमारा तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। योगी आदित्यनाथ अभी भगवा पहनते हैं, स्वाभाविक है, उनके विचार पार्टी की विचार तो पार्टी की विचार होती है और हर व्यक्ति में अपना एक थोड़ा सा अलगपन होता है, लेकिन योगी जी को आपने 6 बार 7 बार जीतने के बाद में भी, 1988 से वो जीतते आ रहे हैं और उसके बाद में इतनी बार जीतने के बाद में भी कोई कंट्रोवर्सी या तो फिर कोई, मैं भी उनको 3 साल से लोकसभा में देखता हूँ, हर समय जब कभी कोई मुद्दा रखते हैं, कोई बात करते हैं तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, मानवतावादी बात करते हैं, ऐसा कोई लाइन तो छोड़कर ना तो लेफ्ट में या तो राइट में कभी जाते हुए मुझे दिखाई दिया नहीं। इसलिए योगी जी को कोई हिंदुत्व का ब्रांड बनाना ये मैं मानता नहीं है, हिंदुत्व का स्पष्टीकरण बहुत अच्छी तरह से हुआ, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, हम सभी लोग उसी लाइन के हैं, लेकिन मैं भगवान ये पहनता तो मैं कोई अलग विचार का हूँ ऐसा कोई मानने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर एक बात बताइए कि बीच में उनके काफी बयान भारतीय जनता पार्टी से कंट्रोवर्शियल हुए थे। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, लेकिन सवाल सामने से जब कभी भी आएगा तो आवश्यकता पड़ेगी तो उसका जवाब देने का काम समय समय पर हुआ है, आगे भी होगा। आपने हम स्वयं होकर ऐसा कोई एजेंडा जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसा हम कभी भी हाथ में लेने का प्रयास ना तो पहले हमने किया ना तो हम अभी करेंगे। जब मनपा चुनाव था तब आपने यही वक्तव्य दिया था, जहां तक मुझे याद है, कि हिंदुत्ववादी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी
विचारों पे अडिग है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं क्या ना बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे हिंदुत्व को मीडिया के लोग एक अलग परसेप्शन में देखते हैं, उसका हमको एतराज है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया है हिंदुत्व, यानी क्या है हिंदुत्व, इज अ वे ऑफ लाइफ, ये वे ऑफ लाइफ, तो वे ऑफ लाइफ तो भारतीय, भारत का वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, वो भारतीय वे ऑफ लाइफ हिंदू के लिए भी वही है, मुस्लिम के लिए भी वही होना चाहिए, क्रिश्चियन के लिए भी वही होना चाहिए, सिख के लिए भी वही होना चाहिए। और वे ऑफ लाइफ क्या है, मानवतावादी, मानव जाति को जो आवश्यकता है वो हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए, अब वो हमारे हिंदुत्व है। अब ये मानते हैं कि आपके दोनों सदनों में बहुमत आपके अब हो गए हैं, अब आप जो समान अधिकार की बात करते थे, 377 धारा की बात करते थे, राम मंदिर की बात करते थे, क्या अब उस पे अमल होगा? अब तक ये था कि हमारा दोनों सदन में बहुमत नहीं है, अब तो बहुमत मिल गया, अब क्या आप कर दे? हमको बहुमत मिलने के बाद में भी मैं आपको बताऊंगा कि हम सबको, सबका साथ और सबका विकास की जब बात करते हैं तो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, सबको समझाने का कोशिश करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि बड़े पैमाने में हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी अब अपनी मानसिकता को बदल रहे हैं, खास करके महिला बहने, बहन जो होती है घर का आधार स्तंभ होती है, तो बहनों का विचार बदल कर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को जिताने का प्रयास करना, ये मैं मानता हूं कि जो चीज के हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जो चीज के लिए हम लोगों ने अपना पूरा जीवन हमारे पार्टी के नेताओं ने दिया, इतना लंबा सफर हम लोगों ने तय किया, वो सही होता दिखाई दे रहा है अभी क्या। और हम मानते हैं कि लोग हमारी बात को मानेंगे, और अटल जी ने जो बात कही थी कि हमको कोई एक देश में मस्जिद कम करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, समाज के लोगों को आवश्यकता है तो और एक मस्जिद बनाएंगे, हम सारे लोग मिलकर बनाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं कि मुस्लिम लोग ही मस्जिद बनाए और हिंदू लोग ही मंदिर बनाए। एक देश में ऐसा माहौल क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं कि लोग हिंदुओं के मंदिर में मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग मदद करें और उनके चर्च है, तो आफ्टर ऑल हम एक भगवान को मानते हैं, लोग अलग अलग ढंग से पूजा करते हैं, भगवान तो एक ही है ना, भगवान चार है, ऐसे तो कोई धर्म के कोई समाज के लोग कहते नहीं, तो जहां पर भी भगवान बसते हैं वहां पर हम सब लोगों ने एक मिलकर काम करने की आवश्यकता है, हम करेंगे आने वाले दिनों। लेकिन यूपी के जो सीएम ऐसी बात नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं हिंदुत्व आई, अभी यूपी के सीएम ने जो काम भी चालू नहीं किया और आप बोलते बात नहीं करते, अभी काम भी नहीं शुरू किया, बातें सामने आती है लोगों को, तब जो विचारधाराएं सामने आई है वो आया है कि जैसे दुर्गा वाहिनी है उनकी जो कट्टरता है हिंदुत्व, दुर्गा वाहिनी हो या तो काली माता हो या तो जितने भी देवी देवता है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो तैयार किया हुआ नहीं है ना, ये तो सदियों से अनादिकाल से चला आया है, दुर्गा माता थी तो दुर्गा माता थी, माता माँ काली है तो है, बजरंग बली है तो है, भगवान राम थे तो थे, कृष्ण भगवान थे तो थे, तो है ना, ये हमने कोई काल्पनिक तो लाया नहीं ना दुनिया में, तो फिर पैगंबर साहब थे तो थे, जीसस क्राइस्ट थे तो थे, गुरु नानक जी थे तो थे, तो हम मानते हैं दुर्गा वाहिनी से सेक्युलरिज्म कैसे बैठेगा। मैं फिर एक बार कहूंगा कि हर देवी देवताओं का भी अपना एक तरीका था काम करने का, तो उस देवी देवताओं को मानने वाले उस हिसाब से तो काम करेंगे ना जी, भगवान को राम को मानने वाले लोगों का एक आचार विचार, उनका रहन सहन ये वो एक अलग होता है, बजरंग बली को मानने वाले लोग कसरत करते हैं, बॉडी बनाते हैं, उनका एक अलग होता है, तो होता है ना, लेकिन आफ्टर ऑल सब बजरंग बली को मानकर भी जो बॉडी बनाते हैं उसका शौक तो ये होता है ना कि मैं जरूरतमंद लोगों को मदद करूं, जो कमजोर वर्ग है अगर तकलीफ में आता है तो उनको कोई हैरान परेशान करता होगा तो मैं उसको मदद करूं, बॉडी वो बनाता है इसके किसी को परेशान करने के लिए नहीं, संरक्षण रक्षण करने के लिए करता है, तो बजरंग बली ने हमको वही सीख दी है। अच्छा आप ये बताइए कि ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको जो ऐतिहासिक सीट इतनी जीत मिली है उसमें मुस्लिम मतदाताओं का कुछ रोल है कि नहीं? बड़ा रोल है। कैसे? बड़ा रोल है। कैसे आप मानते हैं? कैसे यानी जो मुस्लिम बाहुल एरिया में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने जीता, हम इस बात का कभी भी दावा नहीं करते कि हमको मुस्लिम ने वोट नहीं दिया, दिया हमको बड़े पैमाने पे दिया, तब तो हम जीते हैं। अच्छा। और हमने कहा कि हमको देंगे आने वाले दिनों में मुस्लिम लोग वोट, और हमने ये कहा था कि कम से कम मैंने एक भविष्यवाणी किया था कि मुस्लिम समाज के लोग गुजरात और उत्तर प्रदेश से वोट देना प्रारंभ करेंगे, अभी होता जा रहा है। अच्छा समान अधिकार का कानून भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले, जब बहुत पहले आडवाणी जी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय एक खड़ी हुई पार्टी शायद इसी मुद्दे को लेकर के, वो समय आ गया है, क्या करेगी सरकार?
मैं आपसे ये सवाल का जवाब चाहूंगा, क्योंकि हर बार मीडिया के लोग हमसे सवाल पूछते हैं। मैं मुझे आप बताइए कि मानव जाति को समान अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बस। तो क्या संविधान बदले? हम ये तो नहीं कहते ना कि भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोगों को ये अधिकार होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानने वाले लोगों को ये अधिकार होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि समान अधिकार, मानव जाति में जो जन्मा है, जो पैदा हुआ है, वो चाहे किसी भी संप्रदाय में जन्मा हो, उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है, हमारी सोच है। लेकिन संविधान नहीं बोलता, संविधान बदलेंगे क्या? हम संविधान की बात करते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो सबको साथ में लेकर करेंगे ना, उसमें क्या है? सबको साथ में लेकर करेंगे, सबको साथ में लेकर करेंगे। हमारी ये सोच है और हम इस इरादे पर दृढ़ है कि हम लोगों को कन्विंस करने में कामयाब होंगे, हम लोगों को समझाने में कामयाब होंगे। संविधान पे हाथ लगाने के बाद साहब, क्या रामदास अठावले को आपने एक अपने साथ जोड़ा, क्या इतना बड़ा आसान ऐतिहासिक एक घटना नहीं आएगी सामने? संविधान बदलने की बात जो होती है तो मैं संविधान किसके लिए? जनता के। और संविधान बदलने की व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रखी है कि नहीं रखी है? रखी है ना, अनुच्छेद रखा है। संविधान में ऐसा कहीं पर भी लिखा है क्या कि ये संविधान को बिल्कुल बदला नहीं जाएगा, संशोधन किया जा सकता है? 1000 साल, 2000 साल, 5 साल, 5000 साल, ऐसा बिल्कुल लिखा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये लिख कर गए कि संविधान को समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर बदलनी चाहिए, बदली जाएगी जाएगी। और इसके लिए हम ये कहते हैं कि हमको अगर आवश्यकता पड़ेगी बदलने की तो हम सारे समाज के लोगों को विचार में लेकर बदलेंगे। तो अब हम शक्ति प्रदर्शन करके बदलेंगे नहीं। एक बात है, संविधान में लिखा गया है कि 10 साल तक उन्होंने आरक्षण की बात कही, वह आरक्षण को संशोधित करके मंडल आयोग ला करके एक दूसरे को ला के बढ़ाते चले गए, उसमें क्या संशोधन होगा क्या? मैं आपको कह रहा हूँ कि जो जो चीज की आवश्यकता है जब तब जब कब उसकी हम करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा था तो उनको लगा था कि देश आजाद हुआ है, देश को चलाने वाले जो लोग हैं वो 10 साल में इसको पूरा करेंगे। 10 साल का 70 साल हो गया, पूरा नहीं हो रहा है जी। और फिर उस संविधान से हटकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री इन दिनों में काम कर रहे हैं, कि आरक्षण के बगैर भी लोगों को सारी सुविधा अगर मिलती है तो आरक्षण के पीछे जाएंगे जो लोग? लेकिन दो चीज है, या तो एक तो आरक्षण का झगड़ा चलते रहो, करते रहो, आरक्षण के माध्यम से लोगों का वोट लेते जाओ और राज करते जाओ। दूसरा एक तरीका ये है कि जो आरक्षण में आपको मिलता है वो आरक्षण के बगैर आपको मिलेगा तो लोग आरक्षण के पीछे क्यों जाएंगे? तो वो आरक्षण, तो हम बगैर आरक्षण के सबका साथ सबका विकास क्या आइए? ये तो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबको। दलित को भी पढ़ा लिखा कर खड़ा करेंगे, मुस्लिम को भी पढ़ा लिखा कर खड़ा करेंगे, उसको भी लगना चाहिए मेरा देश है, ये वातावरण तैयार करेंगे, हम लोग कर रहे हैं। नहीं मतलब आरक्षण के मुद्दे पे संशोधन होगा, अब आपके हिसाब से आप इसको आवाज को उठाएंगे लोग? नहीं, तो आपका सवाल है, आप उद्योग करोगे क्या? मैंने कहा आवश्यकता पड़ेगी तो तब करेंगे। मैंने ये कहा कि हमको लगता है कि आवश्यकता पड़ेगी नहीं, सबका साथ और सबका विकास का मंत्र लेकर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चल रहे, साहब लोगों को क्या चाहिए? लोगों को घर चाहिए, लोगों को पानी चाहिए, लोगों को शौचालय चाहिए, लोगों को बिजली चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, सारी व्यवस्थाएं हो रही है, सारी व्यवस्था हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2 मुद्दे आरक्षण के उठे, एक पटेल समुदाय का, एक जाट समुदाय का, ये क्यों उठा? किसने उठाया? सरकार ने उठाया? उठाना सरकार ने उठाया क्या? नहीं, लोकशाही है देश में, वो समाज के लोगों को, वो संप्रदाय के लोगों को, वो संगठन के लोगों को जब कभी भी लगता है कि ये हमको करना चाहिए तो करते हैं। करने तो उनको, लेकिन क्या कभी ऐसा सरकार नहीं करके देखी कि आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं पड़े, आरक्षण की बात ही करने की जरूरत नहीं पड़े? ऐसा कब? मैं वो तो कह रहा हूँ ना, हम एक ऐसा भारत बनाने जा रहे हैं कि लोगों को इन सारी चीजों को मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ कल्पना है, क्यों पड़ रही है? सिर्फ कल्पना में की कल्पना नहीं है, कैसा आकार होते दिखाई जा रहा है? देखिए लोगों का रहन सहन बदल गया, बदल गया है ना। और दलित का बच्चे को भी पढ़ाना है, दलित के बच्चे को भी दवा दारू मिले, दलित के बच्चे को भी रहने के लिए अच्छा घर मिले, मुस्लिम समाज के लोगों को भी ये सारी आवश्यकता मिले। लगना ही नहीं चाहिए कि अपने देश में ये कौन से समाज का है, कौन से जाति का है, वो अपने घर में भाषा बोलने के लिए ठीक है। ये कोई 2-5 साल का एजेंडा नहीं है। हमारी और आपकी लाइफ आयु मर्यादा एक सीमित हो सकती है, लेकिन देश का है ना, देश तो ऐसे चलता रहेगा, चलेगा, हमसे जितना होगा वो हम करेंगे, हमारे बात करो उसको आगे बढ़ाएंगे, उसमें क्या है? करेंगे। लेकिन एक बात और है, हम पूछेंगे आपसे, सवाल जरूर रहेगा कि 370 धारा के ऊपर
काफी बड़ा जनसंघ का आंदोलन चला, सारी बातें हुई। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था 370 धारा लागू कर देंगे। कश्मीर में भी जाके नरेंद्र मोदी ने बात कही है। अब पार्लियामेंट में दोनों सदनों में बहुमत आने के बाद उस मुद्दे पर कितना अमल होगा ये हम जानेंगे जरूर सांसद जी से। एक छोटे से विराम के बाद फिर लौटेंगे।